हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कबीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडवांस लाइफ। इस वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज फिर से हम बात करेंगे डीजीपे के बारे में। कल हमने एक वीडियो डाला था डीजीपे के बारे में, क्योंकि हमारा जो डिजीमेल है उसमें मेल आया था और उस मेल पर जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बोला गया है जो आपका जो डीजीपे है वो 1 अगस्त 2018 से लेकर 2 अगस्त 2018 तक, मतलब शाम 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक आपका जो डीजीपी का सर्विस है वो डाउन रहेगा, शायद बंद भी रहेगा, रह सकता है। तो हमने उसके अगले दिन मतलब 2 अगस्त को सुबह को हमने डीजीपी को चलाया है, वर्क किया है, काम किया है, सही से काम किया है, कोई दिक्कत नहीं आया है। तो आज शाम को फिर से हमारे डिजीमेल में और एक मेल आया है और इसमें एक ही चीज़ बोला गया है कि 2 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक शाम 6 बजे से लेकर 11 बजे तक आपका जो सर्विस है डीजीपे का फिर से डाउन रह सकता है या फिर डाउन रहेगा। आज इसलिए वीडियो हम बना रहे हैं क्योंकि डीजीपे में ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि बहुत बीएलई का डीजीपे में पैसा पहले से था, उसके साथ अपने डेस्कटॉप लैपटॉप को फॉर्मेट किया और नई तरीके से फिर से ओपन करने की कोशिश की डीजीपे को, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। तो बहुत बीएलई का पैसा भी अभी तक अटका हुआ है, फंसा हुआ है। तो आप लोगों के पास एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी बीएलई डीजीपे को चलाते हैं, जिनका सही से वर्क कर रहा है, जिनका नहीं कर रहा है वो तो अलग बात है, जिनका कर रहा है वो जो भी ट्रांजेक्शन करे तुरंत ही पे आउट में डाल दें, क्योंकि अगर पे आउट नहीं करेंगे आपका डीजीपे में पैसा रहेगा और डीजीपे अगर अपडेट होने के बाद कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आपका पैसा फंस जाएगा, या फिर आपका जो डीजीपे अगर नहीं ओपन होता है तो आपका पैसा फंस जाएगा। तो जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको तुरंत ही आप पे आउट में लें और आपका पैसा फंसने से बचे। और शायद ये अपडेट होने के बाद शायद जिनका डीजीपे अभी तक नहीं वर्क कर रहा है, नहीं चल रहा है, शायद उनका भी चलने लगे। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।